For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movies Adda. Hood hood dabang 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 dabang. उसके बाद आया दबंग रीलोडेड और अब आने वाला है मैं हूं दबंग. Well, hello guys, welcome to Movies Adda. This is your host and host Jyoti Nahak and सलमान खान की फिल्म दबंग फ्रेंचाइजी से ऑफ कोर्स थर्ड इंस्टॉलमेंट जो है दबंग का, दबंग 3 का टाइटल ट्रैक का वर्ड आउट हो चुका है, या फिर आप कह सकते हैं ऑफ कोर्स लिरिक्स आउट हो चुके हैं, सॉन्ग का नाम आउट हो चुका है मैं हूँ दबंग. जी हाँ, अब जब दबंग की बात आती है और टाइटल ट्रैक की बात आती है तो हमेशा से दबंग के जो टाइटल ट्रैक्स रहे हैं वो बहुत ज़्यादा ऑडियंस को एक्साइट करते हैं, ऑडियंस को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं. लेकिन अब अगर मैं बात करना चाहूँ जिस तरीके से दबंग ये वाला जो सॉन्ग होने वाला है मैं हूँ दबंग, धमाकेदार सॉन्ग होने वाला है, पिछले दोनों सॉन्ग्स के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा बेटर होने वाला है, ऐसा मेकर्स का भी कहना है, फैन पेजेस का भी कहना है और बहुत र्यूमर्स आ रहे हैं इस चीज़ को लेकर कि डेफिनेटली सॉन्ग का नाम तो यही है मैं हूँ दबंग. और ऑफकोर्स जब मैं हूँ दबंग नाम है तो ऑफकोर्स सलमान खान की अपने आप में एक ओवरऑल पर्सनालिटी नज़र आती है दबंग सॉन्ग में. और जहाँ तक अगर बात की जाए दबंग की अपडेट्स की तो दबंग 3 जो है उसका लास्ट शेड्यूल जो बचा है एक हफ्ते बाद, यानी कि अभी संडे के बाद से पुणे में शूट होने वाला है जो कि आखिरी शेड्यूल होने वाला है और उसके बाद दबंग फुल ऑन रेडी हो जाएगी. दबंग रेडी नहीं हो जाएगी बट दबंग बन के रेडी हो जाएगी. सो आपका क्या कहना है इस चीज़ पर और मैं हूँ दबंग के लिए कितना एक्साइटेड हो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके बताइए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए हमारे चैनल मूवीज अड्डा को. मैं हूँ ज्योति नाहा, साइनिंग ऑफ. सलमान खान बहुतों के फेवरेट खान तो है ही लेकिन वो यारों के यार भी हैं और दिलदार भी हैं. वेल हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज अड्डा. दिस इज योर होस्ट एंड दोस्त ज्योति नाहक. सलमान खान जो है ऑफ कोर्स हम सभी जानते हैं कि सलमान अपनी दोस्तों को कितना सीरियसली लेते हैं, अपनी फैमिली फ्रेंड्स अपने चाहने वालों को हर किसी को वो लाइफ में बहुत सीरियसली लेते हैं. लेकिन यहाँ पर बात हो रही है एक स्पेशल फ्रेंड की, यानी कि कटरीना कैफ की. जी हाँ, हाल ही में कटरीना कैफ ने एक इंटरव्यू के दौरान जब उनसे सलमान के बारे में और उनकी बॉन्डिंग के बारे में पूछा गया तो कटरीना का कहना था कि सलमान इज द ओनली पर्सन जिन्हें मैं इम्प्लिसिटली यू नो ट्रस्ट कर सकती हूँ और जिस तरीके से मैं सलमान के साथ बॉन्ड शेयर करती हूँ मुझे नहीं लगता वो बॉन्ड यू नो काफी कैजुअल है. इट्स वेरी डिफरेंट, इट्स वेरी यूनिक. सलमान हैज ऑलवेज हैड माय बैक, चाहे मैं किसी भी सिचुएशन में हूँ वो समहाउ सेंस कर लेते हैं अगर मैं प्रॉब्लम में हूँ एंड ही लिटरली हैज माय बैक व्हेनेवर आई एम सफरिंग फ्रॉम समथिंग और व्हेनेवर आई एम डीपली हर्ट और व्हेनेवर आई एम स्ट्रेस्ड. सलमान हमेशा समझ जाते हैं और वो हमेशा रहते हैं फ्रॉम मतलब स्टार्ट टू एंड. सलमान हैज़ ऑलवेज बीन देयर, मैं उन पर ट्रस्ट कर सकती हूँ, आँख बंद कर उन पर भरोसा कर सकती हूँ. तो इस तरह की कुछ तमाम बातें कटरीना करती हुई नजर आईं सलमान और अपने बॉन्ड के बारे में. वेल ये सुनकर डेफिनेटली ये लगता है कि अब तो शायद कटरीना को ही हमारी भाभी जान बन जाना चाहिए. लेकिन इस पर आप लोगों का क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइए और सलमान और कटरीना की जोड़ी के बारे में आपका क्या कहना है ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना कमेंट्स करने के बाद हमारे चैनल मूवीज अड्डा पे. मैं हूँ ज्योति नाहक, साइनिंग ऑफ.
भाई इस बार बिग बॉस के ओपनिंग एक्ट में कोई और नहीं बल्कि परफॉर्म करने वाली है द वन एंड ओनली राखी सावंत। यस वेल हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज अड्डा, दिस इज योर होस्ट एंड दोस्त ज्योति नाहक। बिग बॉस सीजन 13 का ओपनिंग बहुत जल्द होने वाला है, ऑफ कोर्स सीजन की शुरुआत होने वाली है, मराठी बिग बॉस खत्म हो चुका है, नया बिग बॉस आने वाला है, सलमान आने वाले हैं ऑफ कोर्स, और इन सब के बीच राखी सावंत ने एक स्टेटस अपडेट किया है अपने सोशल मीडिया हैंडल पर, जहां पर उन्होंने जब वो बिग बॉस में एज अ कंटेस्टेंट आई थी उस पॉइंट ऑफ टाइम की एक वीडियो डाली है जहां पर वो परफॉर्म करती डांस करती नजर आ रही है सलमान खान और संजय दत्त के साथ। अब बात यह है कि उन्होंने कैप्शन दिया है कि थैंक गॉड दैट आई एम परफॉर्मिंग, आई एम गोइंग टू परफॉर्म ऑन बिग बॉस सीजन 13's ओपनिंग नाइट। दैट मीन्स कि उन्होंने खुद इस बात को कह दिया है। अब भाई राखी जो कहती है उसमें कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं ये तो खैर राखी ही जाने, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि अगर सच्चाई है तो हमें ओपनिंग नाइट को अपने आप पता चल जाएगा। बट आपको क्या लगता है इस बारे में कॉमेंट सेक्शन में जाके मुझे बताइए, एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए हमारे चैनल मूवीज अड्डा को। मैं हूँ ज्योति नाहक, साइनिंग ऑफ। धूम मचाले धूम मचाले धूम, अभी तक धूम जो है वो अभिषेक बच्चन मचा रहे थे या फिर ऋतिक रोशन मचा रहे थे या फिर जॉन इब्राहिम, लेकिन अब द बादशाह। यस वेल हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज अड्डा, दिस इज योर होस्ट एंड दोस्त ज्योति नाहक। बादशाह खान यानी कि शाहरुख खान अब धूम मचाने वाले हैं, और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ बिकॉज अकॉर्डिंग टू वेबसाइट ये बात काफ़ी तेजी से यू नो बॉलीवुड के गलियारों में फैल रही है कि शाहरुख खान इज द नेक्स्ट बिग थिंग फॉर धूम सीरीज। जी हाँ, ऐसे र्यूमर्स आ रहे हैं कि अली अब्बास जफर जो कि धूम 4 की तैयारी कर रहे हैं, आमिर खान धूम 3 में थे ऑफ कोर्स फॉर दैट मैटर, धूम 4 की तैयारी बहुत जल्द शुरू हो चुकी है और स्क्रिप्ट्स ऑलमोस्ट फाइनल हो चुकी हैं, रेकी करने जाने वाले हैं बहुत जल्द अली अब्बास जफर, और शाहरुख जो हैं जो कि थोड़े से जिन्होंने एक ब्रेक लिया था इंडस्ट्री से बिकॉज फिल्मों से थोड़ा सा एक ब्रेक ले लिया था बिकॉज ही डिडंट वांटेड टू साइन एनीथिंग जब तक जीरो का डिबैकल से वो थोड़ा सा यू नो साइड नहीं हो जाते। जीरो जिस तरीके से फ्लॉप हुई थी बॉक्स ऑफिस पर, हालांकि एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन फिर भी शाहरुख ने ऐसा डिसाइड किया था कि वो कुछ टाइम तक कोई फिल्म साइन नहीं करना चाहते और फिर वो अपने बच्चों के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। लेकिन अब फाइनली ये रूमर्स आ रहे हैं कि दो बड़े प्रोजेक्ट्स शाहरुख ने साइन कर लिए हैं। पहले प्रोजेक्ट की अभी तक कंफर्मेशन नहीं आई है, लेकिन ऑलमोस्ट कंफर्म है कि धूम 4 में हमें अली अब्बास जफर के साथ काम करते नजर आएंगे, नन अदर देन शाहरुख खान, शाहरुख खान, शाहरुख खान। जी हाँ, एंड ऑल्सो 2020 के एंड में आके हमें देखने को मिलेगी, इस फिल्म की शुरुआत होगी 2020 से, एंड में फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी जाएगी, तब तक रेकी होगी और बहुत सारी चीज़ें और फाइनलाइज होंगी, बाकी की टीम फाइनलाइज होगी ऑफ कोर्स। सो शाहरुख को इस विलेन अवतार में देखने के लिए आप कितना एक्साइटेड है कमेंट सेक्शन में जाके बताइए, एंड इस मच नीडेड यू नो एक यूनियन होने वाला है अली अब्बास जफर एंड शाहरुख खान का, एंड वी आर होपिंग कि शायद सलमान भी हमें देखने को मिल जाए कहीं ना कहीं फिल्म में बिकॉज ऑफ कोर्स इट्स अली अब्बास जफर आफ्टर ऑल। सो कितना एक्साइटेड है आप इस फिल्म के लिए कमेंट सेक्शन में जाके बताइए, एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए हमारे चैनल मूवीज अड्डा को। मैं हूं ज्योति नाहक, साइनिंग ऑफ। बात करें अगर आईफा 2019 अवार्ड की, तो वो इस बार मुंबई सिटी में होने वाला है, जिसे लेकर बॉलीवुड के सेलिब्रिटी के बीच काफी ज्यादा एक्साइटमेंट है, वो काफी ज्यादा एक्साइटेड है अपना परफॉर्मेंस करने के लिए, वो भी मुंबई सिटी में। वेल फ्रेंड, मैं मोनिशा तिवारी और आप देख रहे हैं मूवीज अड्डा। आईफा 2019 अवार्ड है, 28th एडिशन है, वो इस बार मुंबई में होने वाला है। तो वही इस बार जो परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें डांसिंग दीवा जो है माधुरी दीक्षित, वो अपना डांस का जलवा बिखरते हुए नजर आने वाली है सेट पे। इस बार खूब अलग ही अंदाज में सब लोग डांस करते हुए नजर आने वाले, कुछ अलग नया हटके देखने को मिलने वाला है। तो वहीं आपको बता दूं कि जो कैटरीना कैफ है और सलमान खान है, इनकी जोड़ी जो है वो काफी ज्यादा अच्छा दिखता है पर्दे पे। तो वहीं सब लोग इनको चाहते हैं कि एक साथ डांस परफॉर्मेंस करते हुए नजर आए, लेकिन इस बार जो है वो शायद से डांस साथ में नहीं करते हुए नजर आने वाले हैं। वहीं आपको बता दूं कि कैटरीना कैफ जो है वो एक इंटरव्यू के दौरान बताया उन्होंने कि वो काफी ज्यादा इस बार एक्साइटेड हैं, क्योंकि इसमें वो एक इंडियन अवतार में अपना डांस का परफॉर्मेंस करते हुए नजर आने वाली हैं। तो वहीं आपको बता दूं कि इस बार जो काफी ज्यादा हिट मूवी आई है, तो इस बार देखना काफी दिलचस्प होगा कि कौन सा मूवी है जो काफी ज्यादा अवार्ड लेकर जाने वाला है। वेल, आपको क्या लगता है और आप कितने एक्साइटेड इस आईफा अवार्ड के लिए, ये हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।